खरगोन जिले में मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में धरना दे दिया और आगामी समय में चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि महिला बाल विकास के अंतर्गत अल्प वेतन पर काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका घर घर जाकर शासन की जनहितैषी योजनाओं को घर घर जाकर पहुंचाती चली आ रही है। ऐसे में बढ़ती महंगाई के बीच उनके परिवारों के सामने भरण पोषण की समस्या आ रही है। इसी बीच महकमे में नियमितीकरण की मांग को लेकर पूर्व में भी आंदोलन किए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इस दौरान इस बार हजारों की तादाद में कलेक्टर कार्यालय पहुंची महिलाओं ने एक बार फिर नियमितीकरण की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने बताया कि उनकी मांग पूरी की जाए या सम्मानजनक वेतन दिया जाए, अन्यथा आगामी समय में चुनाव का बहिष्कार करेंगे। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। हमारी बहनों को सरकार कर्मचारी घोषित करे, जब तक कर्मचारी घोषित नहीं करती है कम से कम उन्हें 25,000 रुपए वेतन दिया जाए। अगर कितने आंगनवाड़ी खरगोन के जितने आंगनवाड़ी कितने यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय पहुँचे और आगामी विधानसभा चुनाव किस प्रकार से इसको देखना चाहते और क्या मांगे थे? हमारी सबसे पहली मांग हमारी सरकार से यही है कि हमारी बहनों को नियमित करे और नियमित अगर हो जाती है हमारी बहनें तो उन्हें जैसे ही सरकार की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। अगर सरकार नहीं करती है तो आगामी आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा ही पड़ेगा, क्योंकि आज हम यहाँ खरगोन जिले से कम 3,500 कार्यकर्ताएं सहायिकाएं उपस्थित हुई है। ऐसे ही पूरे प्रदेश में मतलब आज के रोज पूरे प्रदेश में सभी जिलों में आज का यह कार्यक्रम किया जा रहा है और कम से कम हमारे खरगोन जिले में सहायिका और कार्यकर्ता मिलाकर 8,500 की जनसंख्या है। क्या नाम है आपका? कुमारी रामश्री ठाकुर, जिला अध्यक्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका। बहुत समय से हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं काम कर रही है। हमारी नियुक्ति 1975 से चल रही है। 45 वर्ष हो गए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कार्य करते हुए, लेकिन हमें अभी तक किसी भी कार्यकर्ता को नियमित नहीं किया गया, न सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया। हम शासन से यही चाहते हैं कि हमें आप शासकीय कर्मचारी घोषित करें। अगर उनके पास नहीं नियमित करने का कोई कारण है तो हमें वो कम से कम इस महंगाई के दौर में 25,000 रुपए जब भी दे। बिल्कुल करेंगे। अगर उन्होंने हमारी मांगे नहीं पूरी करी तो आने वाले समय में उन्हें पता चल जाएगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाके जन जन तक उनकी पकड़ है, हर घर से वो ताल्लुक रखती है। हर कार्य में गांव में शहर में सभी जगह हम कार्य करते हैं तो हमारी इतनी तो है कि कोई भी हमारा सुनेगा और चुनाव पे उसका प्रभाव पड़ेगा। जिले में कितनी आंगनवाड़ियां हैं? जिले में कार्यकर्ता है 3,000 है, सहायिकाएं भी 3,000 है और मिनी सहित लगभग 6,000 कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता है। क्या नाम है? आशा अमोदे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।